CBSE के आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए आज एक स्टेट को दूसरा कोई निर्दिष्ट स्टेट पर परियोजना करना है। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अपने प्रोजेक्ट करने में मदद करेगी। देखिए, सीमा। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ है बर्फीली पहाड़ों का प्रांत। इसको देवभूमि कहा जाता है। इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। इसके अलावा पहाड़ी और पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश के आदि निवासी दास, देस्यु और निषाद के जाने जाते थे। नदियाँ। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियाँ एवं छोटे छोटे नाले 12 मासी हैं। इनके स्रोत बर्फ से की पहाड़ियों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में से 4 का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय ये अन्य नामों से ही जानी जाती है, जैसे अरिगिरी, चिनाब, पुरुष्णी, राबी, अरिजगिया, ब्यास तथा शतुद्वी सतलज। 5वीं नदी कालिंदी, जो यमुनोत्री से निकलती है और उसका सूर्य देव से पौराणिक संबंध दर्शाया जाता है। संस्कृति। राज्य की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, कंगड़ी, पहाड़ी, पंजाबी और मंडियाली शामिल है। हिंदू, बौद्ध और सिख यहाँ के प्रमुख धर्म है। पश्चिम में धर्मशाला दलाई लामा की शरण स्थली है। जलवायु। हिमाचल में 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई की विभिन्नता के कारण जलवायु में भी विभिन्नता है। कहीं सारा वर्ष बर्फ गिरती है तो कहीं गर्मी होती है। परिवहन। सड़क मार्ग इस राज्य की यातायात का मुख्य माध्यम है, परंतु मानसून और ठंड के मौसम में भूस्खलन और अन्य वजहों से यह बाधित होता है। कृषि। हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए विश्वविद्यालय है। यह पालनपुर कंगड़ा में है। इसे श्रवण कुमार विश्वविद्यालय नाम से जाने जाते हैं। यहाँ 10 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए है। यहाँ की जनसंख्या अपनी जीवन के लिए कृषि पर आधारित रहती है। गेहूं, मक्का आदि यहाँ से अधिक उत्पादन करते हैं। बागवानी। प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को व्यापक कृषि जलवायु परिस्थितियां प्रदान की है, जिसकी वजह से किसानों को विविध फल उगाने में सहायता मिली है। बागवानी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फल है सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, कुमानी, नींबू प्रजाति के फल, आम, लीची, अमरूद, चरबेरी आदि। साहित्य। हिमाचल का नैसर्गिक सौंदर्य बरबस ही हरेक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के नामी साहित्यकार एवं उसकी रचनाओं पर एक झलक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कुलूत देश की कहानी का लेखक है लाल चंद प्रार्थी। बिलासपुर की कहानी का लेखक है अक्षर सिंह। हिमाचल की कला के लेखक है वी सी ओहरी। त्रिगर्त का लेखक है विनोद हिमाचली। हिमाचल अतीत और वर्तमान और भविष्य का एक झलक का लेखक है देवराज शर्मा। प्राचीन हिमालय का लेखक है एल पी पांडे। हिमालय परिचय का लेखक है राहुल संग्रत्यायन। पर्यटन उद्योग को हिमाचल प्रदेश में उच्च प्राथमिकता दी गई है। हिमाचल सरकार ने इसके विकास के लिए समुचित विकसित किया है, जिसमें जनोपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार तंत्र, हवाई अड्डे, यातायात सेवाएं, जलापूर्ति और जन स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य की आय में 10% का योगदान करता है। राज्य को व्यास, पराशर, वशिष्ठ, मार्कंडेय आदि ऋषियों का निवास स्थल होने का गौरव प्राप्त है। गर्म पानी का स्रोत, ऐतिहासिक दुर्ग, प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें, उन्मुक्त विचरते चरवाहे पर्यटकों के लिए असीम सुख और आनंद प्रदान करता है। कुफरी। हिमालय की गोद में बसने के कारण यह प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। हिमाचल का खूबसूरत हिल स्टेशन है कुफरी। यह बर्फ से ढका हुआ है। मार्च और नवंबर के बीच यहाँ आना आदर्श माना जाता है। चंबा घाटी। चंबा घाटी 915 मीटर की ऊंचाई पर रावी नदी के दाएं किनारे पर है। पुराने समय में राजशाही का राज्य होने के नाते यह लगभग एक शताब्दी पुराना राज्य है। छठवीं शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है। यह अपनी भव्य वास्तुकला के लिए विख्यात है। डलहौजी। पश्चिमी हिमाचल में डलहौजी नामक यह पर्वतीय स्थान पुरानी दुनिया की चीजों से भरा पड़ा है और यहाँ राजशाही युग की भव्यता बिखरी पड़ी है। यहाँ लगभग 14 वर्ग किलोमीटर फैला है। यहाँ काट लोग, पात्री, तेहरा, बकरोटा और बलूम नामक 5 पहाड़ियाँ हैं। इसके आसपास विविध प्रकार के वनस्पति, पाइन, देवदार, ओक और फूलों से भरे हुए रोडोडेंड्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ मनमोहक उपनिवेश युगीन वास्तुकला है, जिसमें कुछ सुंदर गिरजाघर शामिल है। धर्मशाला की ऊंचाई 1250 मीटर और 2000 मीटर के बीच है। यहाँ पाइन के ऊंचे पेड़, चाय के बागान और इमारती लकड़ी पैदा करने वाले बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं। 1960 से जब से दलाई लामा ने अपनी अस्थायी मुख्यालय यहाँ बनाया। कुल्लू घाटी को पहले कुलंध पीठ कहा जाता था। कुलंध पीठ का शाब्दिक अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। कुल्लू घाटी भारत में देवताओं की घाटी है। यहाँ के मंदिर, सेब के बागान और दशहरा हजारों पर्यटकों को कुल्लू की ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प सबसे बड़ी विशेषता है। शिमला।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ब्रिटिश कालीन समय में यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका नाम देवी श्यामला के नाम पर रखा है, जो काली का अवतार है। बर्फ से ढकी हुई यहाँ की पहाड़ियों में बड़े सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जो पर्यटकों को बार बार आने के लिए आकर्षित करते हैं। यहाँ कई अध्ययन केंद्र भी है। इसमें लॉर्ड डफरिन द्वारा निर्मित भारतीय उच्च अध्ययन केंद्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक सरकारी भवन भी हैं, जैसे वार्नर्स कोर्ट, गार्डन कैसल, वाइसरॉय लॉन्च आदि। चैडविक झरना भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हम माता पब्लिकेशन आपके साथ सदैव रहेंगे। यदि आपके लिए और कुछ वीडियो चाहे तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।